Very good morning students, I am your science teacher of class 3rd. Today I will teach you science chapter 1 living and non-living things part 2nd. आज हम chapter 1 में part 2nd के बारे में discuss करेंगे. ये chapter 1 है हमारा living and non-living things. Part 1 we already done. Now today we discuss about the part 2nd. आज हम आपको part 2nd में living things need food and shelter इसके बारे में बताएंगे कि जो living things हैं उन्हें food और water की ज़रूरत होती है. देखिए ये कौन है, एक boy. देखिए ये food भी ले रहा है और जो ये वाटर है ये इसे भी ड्रिंक कर रहा है. अब ये कौन है, डॉग. तो ये लिविंग थिंग्स है. देखिए ये फूड ले रहा है अपना, तो यानी कि इसको फूड की ज़रूरत है. ये कौन है, प्लांट. तो प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं, तो हम प्लांट में डेली वाटर देते हैं तो प्लांट को भी वाटर की ज़रूरत होती है. तो लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है. जिस तरह से अगर इन्हें फूड और वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ दिन तक ये बिना उसके रह सकते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मर जाएंगे. यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो बिना फूड और बिना वाटर के नहीं रह सकते. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. हमें फूड कहाँ से मिलता है, हम इंसान हैं. कौन हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स. हम कौन हैं, हम जो इंसान हैं सभी, तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स. तो हम अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इसका ना हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोनों से ही मिलता है. इसलिए हम इन दोनों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए उन्हें वाटर, एयर एंड सनलाइट इन तीनों चीज़ों की हेल्प से जो प्लांट हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने आप बनाते हैं. एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वो अपना फूड प्लांट्स और अदर एनिमल्स से लेते हैं. यानी प्लांट्स, एनिमल जा रहा है उसे प्लांट दिख गया खा गए, या कोई दूसरा जानवर दिख गया उसका शिकार किया उसे खा गए. तो जो एनिमल होते हैं अपना फूड कहाँ से लेते हैं बच्चों, प्लांट्स से और दूसरे जानवरों से. जैसे आप देखा हो ना आपकी गली में, अगर आपने अपने घर के बाहर कोई एक प्लांट लगा दिया है, गाय आएगी उसे, उसने देख लिया कि यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है तो वो उस प्लांट को खाएगी और चल देगी. फिर आप रोओगे, अरे मम्मी गाय प्लांट खा गई, उसने वो ख़राब कर दिया. तो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. अब इसलिए सभी एनिमल्स को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, उनमें जान है. अब हम करते हैं ब्रीथ. देखिए लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स यानी कि जिनके अंदर जान है वो सभी क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं. अब जैसे एनिमल, उनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेते हैं. प्लांट, प्लांट भी ब्रीद करते हैं. फिश पानी में रहती है, उसमें भी लाइफ है, जान है, लिविंग थिंग्स है, वो भी ब्रीद करती है. और हम इंसान यानी ह्यूमन बीइंग्स, हम भी ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं. आप सांस लेते हो, तो हम भी सांस लेते हैं. यानी कि सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं.
देखिए जैसे ये फिश, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, फिश अपने गिल्स से ब्रीद करती है। ये बॉय, बॉय में हमारे ह्यूमन बींग्स में आता है, तो ह्यूमन बींग्स किससे ब्रीद करते हैं? लंग्स से। ये कौन है? इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उन होल से ब्रीद करते हैं। और ये कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स भी जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स में बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही बारीक, मतलब इतने छोटे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम उनको माइक्रोस्कोप यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उनसे देखेंगे तभी हमें वो दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत ही बारीक, यानी बहुत ही छोटे होल्स होते हैं लीव्स पर, उन्हें कहते हैं हम स्टोमेटा। तो जो प्लांट हैं वो स्टोमेटा से ब्रीद करते हैं। देखिए इस तरह से ये आपको दिख रहे हैं होल्स, ये से होते हैं स्टोमेटा, ये लीव्स में होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम दिखाई नहीं देते। तो इसलिए तो हमने क्या सीखा कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं। जिनके अंदर जान होती है वो सभी, चाहे वो एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स, ये सभी ब्रीद करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या वो ब्रीद करते हैं? नहीं, वो ब्रीद नहीं करते। इसी तरह से और क्या लिविंग थिंग्स में क्या होता है? फील। लिविंग थिंग्स फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। तो सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, यानी महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्शन करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम इंसान हैं, हम कौन हैं? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सभी को पता है, आपको पता है सेंस ऑर्गन्स? पढ़ा होगा, चलो भूल गए होंगे, है ना। चलो मैं याद दिला देती हूँ आपको, हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इनकी हेल्प से हम फील करते हैं, और हमारे चारों तरफ यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमें चेंज होती हुई दिखाई देती हैं, हम उनको महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। देखो लिविंग थिंग्स जो हैं, किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे मम्मी ने आपको मिल्क दिया, गर्म मिल्क, ओके, तो थोड़ा सा तेज़ गर्म हो गया, जैसे ही आप गिलास को टच करोगे तो आपको टच करने से ये पता चल जाएगा कि ये हॉट है। तो छूने से आपको पता चला, यानी आपको महसूस हुआ कि ये क्या है? हॉट है। इसी तरह से आइसक्रीम ठंडी होती है, जब आप आइसक्रीम को टच करते हो तो आपको वो ठंडी महसूस होती है, यानी आपने उसको क्या किया, उसकी जो कोल्डनेस है उसे फील किया। यानी हम किसी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो या कोई थिंग्स हो, हम उसे टच करके हॉट या कोल्ड को महसूस कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं। और क्या कैसे कर सकते हैं हम? सॉफ्ट और हार्ड, जैसे आपने वुड को टच किया, आपने वुड का पीस लिया, यानी लकड़ी, वो कैसी होती है? हार्ड होती है। अगर आपके हाथ में मम्मी ने कॉटन दे दिया, रुई, तो रुई को आप जब टच करोगे तो रुई आपको कैसी लगेगी? सॉफ्ट। तो उसको आपने महसूस किया कि जो कॉटन है वो सॉफ्ट है और जो वुड है वो हार्ड है। तो हम कैसे पता चलता है हमें? टच करने से। तो टच करने से हमें हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, इसी तरह से स्मूथ और रफ चीज़ का पता चलता है। स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल चिकना, ओके। अब जैसे मान लीजिए ये बुक है, हम इसके ऊपर इस तरह से, हम अपने हैंड को इस तरह से करेंगे तो ये क्या? चिकना।
और अगर कोई और चीज़ है जिसमें खुरदरा होता है तो रफ, जो ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ होता है वो उसे कहते हैं रफ। तो टच करने से हमें स्मूथ और रफ का भी पता चलता है। अब प्लांट्स, अब मैं आपसे पूछूं, क्या प्लांट्स भी फील करते हैं? यस, करते हैं। प्लांट्स भी हमारी तरह फील करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में वो फील करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा? जो उनकी ब्रांचेज होती हैं, उनकी ब्रांचेज सनलाइट की तरफ ही होती हैं, और प्लांट्स की जो रूट हैं वो जहाँ पे पानी होता है उसकी तरफ वो मूव करती हैं, जहाँ से उन्हें पानी मिल सकता है। तो प्लांट की रूट पानी की तरफ ग्रोथ करती हैं, और जो उनकी ब्रांचेज हैं वो सनलाइट की तरफ, सूरज की रोशनी की तरफ। तो इस तरह से प्लांट फील करते हैं। और क्या होता है लिविंग थिंग्स में? ओ, इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या होता है बच्चों? देखो, रिप्रोड्यूस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय काऊ होती है, काऊ एक छोटा सा बच्चा देती है, काऊ का वो भी काऊ की तरह दिखाई देता है ना? है तो और भी बहुत से एनिमल्स, बफेलो है, बफेलो अपनी तरह एक बच्चे को जन्म देती है। ह्यूमन बींग, हम इंसान हैं, है ना? जैसे मम्मी हैं, घर में छोटा बेबी आता है, तो इस तरह यानी कि एक पेरेंट्स छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोड्यूस करना। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ही तरह बच्चे को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को जन्म दिया जाता है। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया ये कौन है? काऊ। काऊ ने एक बच्चे को जन्म दिया, काऊ का बच्चा। तो ये इसका बच्चा है, बेबी है काऊ का, तो इसका बेबी हो गया। तो इसने क्या किया? बेबी को रिप्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह देखो, ये मम्मा की तरह दिखाई दे रही है आंटी, एक छोटा सा बेबी है, तो इन आंटी ने इस बेबी को जन्म दिया, तो इन्होंने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। इसी तरह से हैन, हैन रिप्रोड्यूस कैसे करती है? वो बच्चे तो नहीं देती हैन, लेकिन वो अंडे देती है। अब अंडे में से, यानी कि जो एग है, एग में से क्या होगा? कुछ टाइम के बाद एक हैन का बच्चा निकलेगा, बेबी निकलेगा, जैसे हम चिक कहेंगे, तो हैन का बेबी चिक, तो एग में से बेबी निकलेगा। तो हैन ने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। तो इससे हमें, इसी तरह से प्लांट होते हैं, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड से। जब हम किसी भी सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें से देखिए बेबी प्लांट निकला, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, फिर ये धीरे धीरे बिग ट्री बन गया, यानी कि सीड से एक बिग ट्री बन गया। तो क्या हो गया? इसका रिप्रोड्यूस हो गया। और सीड कहाँ से मिलता है? जो ट्रीज़ के ऊपर फ्रूट होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस, यानी अपनी ही तरह बेबी को जन्म देते हैं। कुछ प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सीड से नहीं करते, उनके स्टेम लीव से करते हैं। जैसे रोज़ प्लांट होता है, रोज़ का कोई सीड नहीं होता, रोज़ की स्टेम यानी कि जो उसकी और डंडी होती है उसे कट करके हम सॉइल के अंदर लगाते हैं, और तब वो उसका प्लांट बढ़ना शुरू होता है, यानी हम उसे कहते हैं स्टेम कटिंग। तो स्टेम से करते हैं। इसी तरह से ये हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? लिविंग थिंग्स के बारे में। अब हम बताते हैं आपको मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स हम उन्हें कहते हैं जो इंसान ने बनाए हैं। जैसे हमारे घर में क्या क्या आपको दिखाई देता है घर के अंदर?
जरा देखिए अपने कमरे में घूमकर देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। टेबल, चेयर, सोफ़ा, टीवी, आपके ऊपर फैन लगा हुआ है, रूम के अंदर लाइट लगी हुई है, किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन हैं, जार्स हैं जिसमें मम्मी ने सामान स्टोर करके रखा हुआ है, गैस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है ना। और आप घर के अंदर रहते हो तो वो घर भी किसने बनाया है? मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें बेटा किसने बनाई हैं? मैंने। तो ये सभी चीज़ें जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। बेड, बेड पर आप सोते हो तो ये भी किसने बनाया है? मैंने। नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? नेचुरल थिंग्स हम उन्हें कहते हैं जो नेचर में मिलती हैं और प्रकृति ने यानी कि नेचर ने बनाई हैं, यानी भगवान ने बनाई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही हैं, सन, मून और स्काई में आप स्टार्स देखते हो, बहुत सारे स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल करते हैं नाइट में, स्टार्स, ये स्टार्स, क्लाउड्स, माउंटेन, पहाड़। देखें हम जब कहीं दूर जाते हैं तो पहाड़ होते हैं वहाँ पर, वाटर, रिवर्स में वाटर होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं। तो ये सब क्या है? हमें प्रकृति से मिलता है, प्रकृति में होते हैं, भगवान ने बनाए हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन नेचुरल हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल थिंग्स कहेंगे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।